खूनी मंडे पर आई है भूत पुलिस। और आज के इस भूत पुलिस स्पेशल एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए किचकंडी की कहानी। तो शुरू करते हैं। कुछ साल पहले सिक्किम के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी खौफ से भर दी। वैसे तो वो गांव खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसा था, लेकिन उन्हीं पहाड़ियों में उस गांव के कुछ लोग अचानक गायब होने लगे थे। जो भी गायब होता वो कुछ दिनों बाद उस गांव के पहाड़ी जंगलों में मरा पड़ा मिलता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में एक अफवाह फैली थी कि किचकंडी वापस आ गई है, और किचकंडी ही उस गांव के लोगों को एक एक करके मार रही है। उस गांव के बड़े बुजुर्ग ये मानते थे कि किचकंडी एक सताई हुई औरत की आत्मा है जो अब एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी है। उनकी माने तो कई साल पहले एक लड़की उसी इलाके में रहा करती थी। वो बेहद खूबसूरत थी और गांव के एक बहुत बड़े जमींदार ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी। जब वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती थी तो वो जमींदार उसे बहुत मारता था। एक अमावस की रात वो औरत घर से भाग गई और जंगल में जाकर छुप गई, मगर उस जमींदार ने उसे ढूंढ निकाला और गुस्से में उसने उसी जंगल में उस लड़की को जिंदा गाड़ दिया। उस रात के बाद उस लड़की की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और तब से वो किचकंडी बनकर एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रही है और लोगों को अपना शिकार बना रही है। उधर उस गांव के सरपंच का बेटा 23 साल का सुमित इस सब से अनजान कोलकाता में नौकरी कर रहा था। एक शाम सुमित को अपनी मां का फोन आया और उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो जल्दी से घर आ जाए। सुमित उसी शाम अपनी कार लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। रात के कुछ 12 बजे थे और वो घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। उसने जैसे तैसे अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो रियर व्यू मिरर में उसे वही लड़की जंगल की तरफ जाती दिखी। सुमित उस लड़की को लेकर सोच में पड़ गया था, लेकिन उसे देर हो रही थी तो वो वहां बिना रुके घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता काफी ज्यादा बीमार थे। सुमित उस रात उनके पास ही सो गया। उस रात सुमित को ऐसा लगा कि उनके बेड के ऊपर एक अजीब सा काला साया है जिसके कई सारे लंबे लंबे हाथ हैं। धीरे धीरे उन लंबे लंबे हाथों के नुकीले नाखून सुमित के गले तक आ गए थे। जैसे ही सुमित को वो नाखून चुभे उसकी घबराहट के मारे नींद खुल गई। सुमित सपना देख रहा था। उस कमरे में उसके और उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन जब सुमित ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उसे एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने उठकर शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पर वाकई नाखूनों के निशान थे। तभी शीशे में उसे उसी लड़की का साया दिखा जो उसे गाड़ी चलाते हुए रोड पर दिखी थी। उस लड़की को शीशे में देखकर वो तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसके बाद सुमित को रात भर नींद ही नहीं आई और वो उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह एक वैद्य उनके घर आए हुए थे। उन्होंने सुमित के पिता की बिगड़ती हालत को ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी लगाने की सलाह दी।
लेकिन मुसीबत ये थी कि वो जड़ी बूटी सिर्फ जंगल में ही उगती थी और सुमित भी वो जड़ी बूटी लाने जंगल की ओर निकल गया। सुमित के पिता की तबीयत से परेशान सुमित की माँ उसे गांव में हो रहे हादसों के बारे में बताना ही भूल गईं, खासकर किचकंडी के बारे में। जब सुमित जंगल में पहुंचा तो वहां उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो लड़की सुमित के पास आकर वो जड़ी बूटी ढूंढने में उसकी मदद करने लगी। उस लड़की ने सुमित से कहा कि उसे पता है कि जड़ी बूटी कहां मिलेगी और वो सुमित को उस जंगल के बीचों बीच ले गई। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। उस लड़की ने कहा कि उसी पेड़ पर सुमित को वो जड़ी बूटी मिलेगी, लेकिन सुमित जैसे ही उस पेड़ के पास गया आसमान में अंधेरा छा गया और जोरों से हवा चलने लगी। सुमित ने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो सुमित को दिखा कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं। सुमित ये देखकर सुन पड़ गया और तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ गई। वो वही लड़की थी जिसे सुमित कल रात से देखे जा रहा था। धीरे धीरे उसका रूप और भयानक हो उठा। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। किचकंडी ने अपने लंबे लंबे हाथों से सुमित को जकड़ लिया और उसे नोचने लगी, लेकिन तभी सुमित की मां कुछ गांव वालों के साथ वहां आ पहुंची और किचकंडी उनके आते ही वहां से गायब हो गई। किचकंडी के गायब होते ही सुमित दूर जाकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन जिंदा बच गया। उस दिन के बाद से किचकंडी उस गांव में कभी नहीं देखी गई। लेकिन अब किचकंडी फिर से आ रही है और भूत पुलिस इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन और यामी गौतम की मूवी भूत पुलिस, जिसमें है उनकी और किचकंडी की एक एंटरटेनिंग भूतिया लड़ाई। स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जाओ जाकर अभी देखो और मूवी एंजॉय करो। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। घंटी बजाना मत भूलना।